यूपी बोर्ड का रिजल्ट घोषित हो गया है और आपको बता दें कि आशुतोष कुमार जिनका नाम है और बनारस जनपद में पहला स्थान और यूपी में 8वां स्थान उन्होंने लाए हैं। हम इस उनके इस घर पे हैं और देखिए कि कितनी खुशी का लहर है, गांव में बधाई का ढोल नगाड़ा भी बज रहे हैं। और आपको बता दें कि सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इनके पिताजी एक स्कूल में काम करते हैं और माताजी भी काम करती हैं, लेकिन इस तरीके के लड़के से आस रखना कितना उनके अंदर गर्व की बात होगी। हम सीधे तौर पे चलते हैं, आशुतोष से बात करते हैं कि कितना इन्होंने मेहनत किए थे, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने परसेंटेज लेकर आए हैं, उम्मीद से ज़्यादा लेकर आए हैं। माता पिता को आस नहीं था कि हमारा बेटा इतना परसेंटेज लेकर आएगा। सीधे तौर पर हम चलते हैं। आशुतोष, पहले तो बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ आपको, ये बताइए कि कितना मेहनत किए थे आप? हमने रोज़ डेली 5 से 6 घंटे पढ़ा था और हमें भरपूर सहयोग मिला था। ये बताइए कि क्या माहौल रहता था जब आप घर पे पढ़ते थे? घर पे पढ़ते थे तो हमेशा हमें मतलब पढ़ाई के लिए मतलब शांति से रहने दिया जाता था। अपने शांति से पढ़ते थे हमेशा, तो मतलब हमेशा अकेले रहते थे तब जब पढ़ते थे। आप गांव में रहते हैं, गांव का माहौल एकदम अलग होता है, हर लोग खेलने में मस्त रहता है, टीवी देखने में मस्त रहता है, आप उसको कैसे मैनेज करते थे? हाँ, टीवी देखने के लिए हम लोग टीवी देखते थे और खेलते भी थे, मतलब बहुत कम खेलते थे, लेकिन उतना खेलते नहीं थे, खेलने पर ध्यान था कम था, इसलिए आज यहाँ पूछे। ठीक है, आप कितने भाई बहन हैं? हम 3 भाई बहन हैं। 3 भाई बहन हैं, सबसे बड़े हैं या छोटे हैं? हम 2 नंबर पर हैं। अच्छा, तो उन दोनों लोगों के लिए क्या कहेंगे? वो लोग भी आज आगे बढ़ेंगे अभी। हाँ। एक लोग तो बढ़ चुके हैं और एक छोटी बहन है तो वो भी आगे बढ़ेगी। आपके पास फ़ोन भी आते होंगे, स्कूल्स के जो दोस्त होंगे और गांव के लोग, उनके लिए क्या कहेंगे? वो भी सही थे, मतलब हमेशा सहयोग करते थे स्कूल के लोग। हाँ, कि पढ़ो, देखो पढ़ रहे हो तो फिर पढ़ो, सही से हो गया। ठीक है, आशुतोष के पिताजी हैं, ये बताइए कि आपको कितनी खुशी है आज? आज हमको बहुत खुशी है, बहुत खुशी है, बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमारे बेटे ने विद्यालय में बनारस में टॉप किया है और यूपी में 8वां रैंक लाया। ये बताइए कि कितना इनकी मदद आप करते थे? इनके पढ़ाई के लिए मैं बराबर इनको पढ़ाई के लिए प्रेरित करता रहता था कि आप आपके जैसे क्लास के बच्चे हैं उनसे कंपटीशन की भावना करते थे, कंपटीशन के लिए बराबर जो है कि प्रेरित करते रहते थे कि देखिए वो आपका आगे परसेंटेज आ रहा है उसका, आप क्यों नहीं मेहनत कर रहे हो, बराबर इनको प्रेरित करते रहते। आपको लगता था कि आपका बेटा जिले में 1वां स्थान और प्रदेश में 8वां स्थान लाएंगे? हमको एक बार ऐसा महसूस हुआ था कि प्रदेश में कोई स्थान ला सकते हैं, जिले में तो उनका स्थान आना है। अच्छा, ये बताइए कि आज के दौर में बहुत सारे लड़के मोबाइल पे व्यस्त हैं, पबजी खेलने में, लेकिन आपका बेटा कैसे मैनेज कर रहे थे? मोबाइल के लिए तो घर में जैसे एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, टीवी में है, टीवी में थोड़ा सा मोबाइल वगैरह ये पिक्चर वगैरह कुछ अपना मनोरंजन के लिए देख लिया करते थे, लेकिन मोबाइल के लिए ज़्यादा इनको हम मोबाइल घर पर है ही नहीं तो देखेंगे कहाँ से। ठीक है, आशुतोष की आप तो मम्मी हैं, आपको क्या लगता था कि आपका बेटा आज इतनी खुशी का पल लेकर आएंगे? हमें लगता था कि हमारा बेटा टॉप लाएगा, क्योंकि मैं इतना उसको प्रेरित कर रही थी पढ़ने के लिए। तो आप कितना इनकी मदद करती थी? मुझसे जितना हो सकता था मैं इनकी मदद करती थी। ठीक है, सीधे तौर पे चलते हैं, स्कूल के प्रबंधक है और प्रिंसिपल हैं, उनसे बात करेंगे कि ये क्या माहौल रहता था जब यो पढ़ने जाते थे, कितने इनकी तरफ से सहयोग मिलता था। मैम, आपको कितनी खुशी है स्कूल प्रबंधक के तौर पे? काफ़ी खुशी है बच्चे के तरफ से, हमें जो है हमारे सभी बच्चे जो है आगे बढ़े, इसके लिए मेरी पूरी तमन्ना रहती थी। लेकिन आशुतोष नाम का बच्चा हमारा जो है कक्षा 10 साल से पढ़ रहा है, उसके साथ साथ जो है विद्यालय में प्रत्येक कक्षाओं में टॉप में रहा है बच्चा, हमेशा जो है 1st डिवीज़न पास करता था। और इनकी जो भी समस्याएं थी, घर से अगर नई समस्या सॉल्व होता था तो वो अपने सॉल्व को जो नोट करके आते थे, विद्यालय में टीचर का सहयोग लेते थे, एक्स्ट्रा समय टीचर दे करके इन बच्चों पर ध्यान देते थे, जो बच्चे जो है जिज्ञासा रखते थे। तो आज स्थिति ये है कि बच्चा जो है जिस प्रकार से टीचर का सहयोग लिए और टीचर ने जिस प्रकार से बच्चे के साथ ट्रीट किए, वो बच्चा जो है आज विकास की ओर जो है आगे बढ़ा और विद्यालय का भी नाम रोशन किया, जिले में, प्रदेश में,
काफ़ी खुशी है। इसके लिए हम उनके माता पिता को भी बधाई देते हैं, बच्चे को भी बधाई देते हैं। साथ ही साथ इनकी एक छोटी बहन भी है, वो भी मेरे विद्यालय में पढ़ती है, वो भी बच्ची टॉप में है, कक्षा 8 में पढ़ रही है। और इस तरह से जो है माहौल एक ही बच्चों के लिए नहीं, हमारी पूरी उम्मीद रहेगी कि हमारे सभी बच्चे आगे बढ़े और उसके बाद जो है विद्यालय का नाम रोशन करें, टॉप 10 में रहें। ठीक है आशुतोष, ये बताइए कि आपके सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा है? गणित। गणित, गणित से अक्सर छात्र भागते हैं, गणित से, इंग्लिश से, सभी छात्र अक्सर देखा जाता है गांव के लोग हिंदी पे ज़्यादा असर करते हैं, लेकिन आपको कैसे घर पे ज़्यादा लोग पढ़ते हैं क्या मैथ? आप पढ़ते तो हैं, मतलब स्कूल में ये होता था मतलब कि जब पढ़ाते थे तो ये कहते थे, जो भागते तो सभी लोग, लेकिन जिसको मतलब जो समझ जाए, मतलब सबसे आसान ही गणित है, क्योंकि बस उसमें केवल जोड़ घटाना गुणा भाग ही करना होता है। स्कूल में, कोचिंग में जहाँ भी आते थे वह भी बताते थे, बस इसमें जोड़ घटाना ही करना है, कि मतलब सभी लोग जिसको जोड़ घटाना भाग आ गया गुणा आ गया उन लोग मतलब गणित लगा लेंगे, तो मतलब बहुत लोग ये होते हैं गुणा भाग ही नहीं कर पाते, तो मतलब उसी में गड़बड़ा जाते हैं पहले, तो अगर उन्हें ये भी आ जाए तो फिर आगे जब का और भी गणित सीख सकते हैं पूरा। क्या ख्वाहिश है? IAS बनने की ख्वाहिश है आगे। IAS बनने की ख्वाहिश है। मम्मी पापा का जो बोझ है आप चाहते हैं कि एकदम आधा से कम कर दें? हाँ ठीक है, तो आपको बता दें कि ये थोड़ा सा चैलेंज दे दिए हैं, क्योंकि गांव के रहने वाला जब लाल प्रदेश में 8वां और जनपद में पहला स्थान आता है तो शहर वाले छात्रों के लिए चैलेंज तो ज़रूर होगा। लगातार ये रिपोर्ट हम दे रहे थे नायर बाजार से, देखते रहे न्यूज बकेट, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका, पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।